नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ वर्ष गुवारी। छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता कनक तिवारी से इस्तीफा लेकर नए महाधिवक्ता के तौर पर सतीश चंद्र वर्मा की नियुक्ति को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे साजिश बताकर संवैधानिक संकट खड़ा होने पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं जोगी कांग्रेस ने भी भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर कनक तिवारी ने भी संवैधानिक संकट की दलील के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर सिलसिलेवार ब्यौरा तक दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद कोई इस्तीफा नहीं दिया है। इधर पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कनक तिवारी का वो बेहद सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन यह फैसला विधि विभाग ने लिया है। लेकिन इस सब के बीच सूबे में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। सवाल तो यह है कि क्या महाधिवक्ता को लेकर उठे विवाद से लेकर सरकार की साख पर दाग नहीं लग रहा है? क्या वाकई सूबे में संवैधानिक संकट के हालात पैदा हो गए हैं? और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश महाअधिवक्ता पर महाभारत में। महाअधिवक्ता को लेकर छिड़े महाभारत में सबके सामने सबके अपने अपने तर्क हैं, आपको बता दें। लेकिन क्या वाकई सरकार ने नए महाअधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर नियम कानून को किनारे रख दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले दिनों बस्तर दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाधिवक्ता कनक तिवारी के इस्तीफे को लेकर कहा था कि उन्होंने काम करने में असमर्थता जताई है, लिहाजा उनकी जगह नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। भूपेश का यह बयान आया ही था कि मीडिया में कनक तिवारी ने इस्तीफे दिए जाने की चर्चाओं पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच राज्य सरकार ने नए महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की नियुक्ति भी कर दी। महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद कनक तिवारी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें हटाए जाने का ब्यौरा दिया। कनक तिवारी ने मीडिया से कहा कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन महाधिवक्ता पद की संवैधानिकता और उसकी गरिमा के साथ संविधान की भावना के प्रतिकूल आचरण करने से सहमत नहीं हूं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कनक तिवारी का वो बेहद सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं। उन्होंने कहा है कि ये फैसला विधि विभाग ने लिया है। जहाँ तक के भूपेश बघेल और कनक तिवारी जी की बात है, मेरे ससुर के साथ वो पढ़े हैं, क्लासमेट हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पैर छूता हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक कार्य की बात है, तो जो विधि विभाग ने कार्रवाई की है उसके रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है, इस बार महाराष्ट्र के बारे में इसको पीड़ा क्यों हो रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि सूबे में संवैधानिक संकट पैदा होने जैसे हालात हैं। वहीं जो कांग्रेस भी कनक तिवारी को हटाए जाने को लेकर सरकार को घेर रही है। मुझे लगता है महाधिवक्ता के जो बयान आ रहे हैं, जो खुलेआम सार्वजनिक से कह रहे हैं कि मैंने कहीं भी किसी भी फोरम में इस्तीफा नहीं दिया है, कि जबरन किसी को निकालने का षड्यंत्र हो रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से गवर्नर जो है हम सबके संरक्षक है, उनका उचित दिशा निर्देश होगा। थैंक यू। कि बिना इस्तीफा दिए, बिना किसी व्यक्ति को पदमुक्त किए, आपने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी। ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में न केवल संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर एक सैद्धांतिक संकट भी पैदा हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि कनक तिवारी की कार्यप्रणाली से सरकार के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया था। बताया जा रहा है कि तृप्ति राव ने कनक तिवारी पर संवैधानिक पद की मर्यादा के खिलाफ शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने को लेकर याचिका लगाई थी, जिसमें कनक तिवारी को पार्टी बनाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया था। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता रहते हुए कनक तिवारी की ओर से पारित किए गए आदेश भी तलब किए। इस मामले में कनक तिवारी ने राज्य शासन को सूचना दिए बगैर अतिरिक्त महाधिवक्ता फौजिया मिर्जा को मामले में उपस्थित करवाया था। सरकार ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि कनक तिवारी ने विधि के खिलाफ आदेश पारित किया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक शासन की अनुमति के बगैर 32 शासकीय पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके एक हफ्ते बाद ही 8 अधिवक्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि फिर दोबारा 8 लोगों को बर्खास्त किया गया और इसके बाद 53 अन्य लोगों को शासकीय पैनल अधिवक्ता बनाने की सूचना जारी कर दी गई। धारा 24 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिफिकेशन नहीं देने से यदि कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित रहता है तो उसे अवैध उपस्थिति ही माना जाएगा, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया था, जिसके बाद अब महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर सूबे में महाभारत छिड़ा हुआ है।
सुराट एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवा देते हैं। नरेश गुप्ता जी हैं, भाजपा नेता हैं। गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका। इकबाल अहमद रिजवी हैं, जनता कांग्रेस से नेता हैं। रिजवी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। रामवदा तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामवदा जी बहुत स्वागत है आपका। तो गुप्ता जी सबसे पहले तो आपका ही रुख मैं करना चाहूंगी और सवाल मेरा बेहद साफ है कि भाई सरकार जिस तरह से कह रही है कि और साथ ही यहाँ पे कहा भी है भूपेश बघेल ने कि ये विधि विभाग का फैसला है, अगर कनक तिवारी को हटा के अगर हम बात करें तो सतीश चंद्र को महाधिवक्ता बनाया है तो यहाँ पे संवैधानिक संकट आखिर कैसे खड़ा हो गया, कैसे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि ये संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? निश्चित रूप इस प्रदेश में इस नियुक्ति को लेकर बहुत बड़ी संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है। आप उसे उन्हें हटाया नहीं, आपने उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो बड़ा गवर्नर साहब के पास जाकर उन्होंने बताया कि मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं जिसको आपने उद्धृत भी किया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी विडंबना है किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बिना इस्तीफे के उसके जगह पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए। यदि इस्तीफा नहीं तो नियुक्ति की इस बात की है तो डेफिनेटली ये संवैधानिक संकट है और ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के लेकर बात चल रही है जो इस प्रदेश के महाधिवक्ता है। देखिए सतीश चंद्र वर्मा जी को नियुक्ति करनी थी तो मुझे लगता है कि सतीश चंद्र वर्मा जी को नियुक्ति सरकार करने की मंशा नहीं थी, उनको उलझा कर नियुक्ति कर दिया उन्होंने। वो इस प्रदेश के एक अच्छे अधिवक्ता हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से नियुक्ति देने के बजाय सरकार ने उनके नियुक्ति को बहुत कुटिल रूप में नियुक्ति प्रदान की है। जो मुझे लगता है जो चीजें अभी मीडिया में बाहर आ रही हैं और कनक तिवारी जी बोल रहे हैं तो ये सारी नियुक्ति इरेगुलर है, इरेगुलरिटीज है और संवैधानिक संकट की ओर इंगित कर रही है। लेकिन गुप्ता जी 165 अगर हम अनुच्छेद 165 के खंड एक की बात करें तो उसके अंतर्गत तो तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। 15 साल आप लोग सरकार में रहे, किसको हटाना किसको नहीं हटाना आप लोगों को भी बहुत बेहतर ढंग से पता होगा कि किसका क्या विशेष अधिकार है। और अगर वाकई में महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होती हटाने की बात करनी चाहिए था। सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए जिस तरह से आपने रिमूव किया क्या, वेदर यू हैव रिमूव्ड द एडवोकेट जनरल। अब यहाँ पे वेदर द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिमूव्ड दी कनक तिवारी फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, नॉट एट ऑल, इट्स ओके, नॉट एट ऑल दीज थिंग्स। बट यहाँ पे अगर कोई कांग्रेस का नुमाइंदा होता तो मैं उनसे ये सवाल भी करती। लेकिन बात यहाँ पे सवाल बेहद साफ है कि यहाँ पे 165 अनुच्छेद 165 के तहत तो तमाम चीजें आपको भी पता होंगी कि कब क्या कैसे किया जा सकता है। देखिए आप दो चीजें हैं, आप उनसे इस्तीफा हो गया तो आप हटा सकते हैं, आपको हटाने की कार्रवाई करनी होगी ना। आपने हटाने की कार्रवाई नहीं की और जो सार्वजनिक रूप से बयान आ रहा है कि इन्होंने इस्तीफा दिया और जिनका इस्तीफा है बोल रहा है वो बोल रहा है मैं किसी भी स्तर पर कहीं पर कोई इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं है और हटाया नहीं गया तो नई नियुक्ति कैसे, बड़ा सवाल है। लेकिन वही सवाल वही का वही भी खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिससे मैं ये सवाल करूं। रिजवी साहब जिस तरह से अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करते हैं, आप लोग भी कह रहे हैं संवैधानिक संकट के साथ साथ सैद्धांतिक संकट भी एक गहरा गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए ऐसा है कि जो कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है ये पूरा का पूरा हास्यास्पद है। ऐसा लगता है कि इनकी सरकार में कोई भी विधि वेत्ता या कानून का जानकार ही नहीं है। देखिए मेरा कहना है जब माननीय कनक तिवारी जी की नियुक्ति हुई उसके पहले भाजपा शासनकाल में जो माननीय जुगल किशोर बिल्डा जी महाधिवक्ता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि सरकार बदल गई थी, ये उनका नैतिक दायित्व भी था।
तो उनकी जो कनक तिवारी जी की नियुक्ति हुई वो वैकेंट पोस्ट पर हुई, महाधिवक्ता का पद उस समय खाली था। लेकिन आपने एक बहाना ढूंढा के अनिच्छा, उन्होंने कनक तिवारी जी ने अनिच्छा व्यक्त की, तो अनिच्छा और इस्तीफा में जमीन आसमान का अंतर होता है। अनिच्छा से पद रिक्त नहीं होता, पद रिक्त होता है इस्तीफा से। इसका मतलब ये है कि आज भी वो पद जो है रिक्त नहीं है, और जो नियुक्ति माननीय सतीश चंद्र वर्मा जी की गई है वो पूर्ण रूपेण अवैधानिक है। और मेरा जहां तक ख्याल है, अगर राजभवन से इसका आदेश निकाला गया है तो राजभवन को भी मुगालते में रखा गया है, अंधकार में रखा गया है, और वहां जाकर के माननीय कनक तिवारी जी ने जो अपनी स्थिति स्पष्ट की है राज्यपाल जी के सामने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल जी अपने विवेक के साथ साथ अपने विभाग के जो विधि वेत्ता हैं, विधि के जानकार हैं, लीगल एडवाइजर हैं, उनसे सलाह लेकर के इस फैसले को अवश्य रद्द करेंगी, क्योंकि ये फैसला रद्द करने के लायक है। भाई मेरा कहना है कि आपको अगर उनको हटाना ही था तो आप उनसे, क्योंकि वो भी कांग्रेसी हैं, आप उनको बुलाते और बोलते कि भाई कुछ दबाव पड़ रहा है और स्थिति ठीक नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन वो तुरंत इस्तीफा दे देते, कोई मरे नहीं जा रहे थे वो, आप दे जी रिजवी साहब, जिस तरह क्योंकि कनक तिवारी जी की पहचान कोई महाधिवक्ता के पद से नहीं है, वो अपने आप में एक पहचान रखते हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल रामोता जी, जिस तरह से आप ये जल्दबाजी में उठाया गया एक गैर कानूनी कदम है। जी रावता जी, आपने रिजवी साहब को भी सुना, आपने नरेश गुप्ता जी को भी सुना, आप रुके क्यों नहीं? मेरा क्या सुनिए, मेरा कहना है कि पूर्णकालिक विधि मंत्री को दो चार दिन में आने वाले थे, क्यों नहीं रुक गए भाई? अब हाँ, जो रविन चौबे जी आ जाते वो भी परीक्षण कर लेते। बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब भी चाहिए थे, कोई रिप्रेजेंटेटर नहीं है, इस वजह से ये तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। रामोता जी, आपने यहाँ पर रिजवी साहब को भी सुना, नरेश गुप्ता जी को भी सुना, और जिस तरह से महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर ये पूरा सियासी महाभारत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति तो गवर्नर के तहत होती है, जिस तरह से रिजवी साहब यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में इन आरोपों में सत्यता है? और जिस तरह से संवैधानिक संकट का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं, संवैधानिक संकट तो उस वक्त खड़ा होता जब अगर कोई और महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होती, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को? नियुक्ति नहीं होने से संवैधानिक संकट नहीं खड़ा होता। देखिए, राज्यपाल महोदय ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, वैधानिक तरीके से यह नियुक्ति हो चुकी है, परंतु अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिज्ञों की ये लड़ाई बन गई है, इसलिए भी ये बड़ा मुद्दा बना है। कनक तिवारी जी एक बड़े गांधीवादी नेता हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, परंतु अब उनकी इसीलिए नियुक्ति भी हुई थी उनकी वरिष्ठता अनुभव को देखते हुए, परंतु राजनीतिक परिस्थितियां जो बदली है छत्तीसगढ़ में, जो जिस अनुसार से कांग्रेस को लगातार न्यायालयिक मामलों में झटके मिल रहे हैं और उनकी जो जिस तरह से पैरवी होनी चाहिए था कहीं न कहीं नहीं होने के कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है, तो इस तरह से राज्य सरकार अपनी स्थिति को ठीक करने जो जितनी कार्यवाही वर्तमान भूपेश सरकार ने की है उस कार्यवाही में जिस तरह के पैरवी होनी चाहिए, जिस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए और राज्य सरकार को संतुष्टि नहीं हो रही है उससे, ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार की भद उड़ रही है, तो सरकार ने यह कदम उठाया है। यह कदम को अगर वैधानिक तरीके से देखेंगे तो वैधानिक प्रक्रिया, जब राज्यपाल के यहाँ से नियुक्ति पत्र निकल गई है, उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो ये एक तरह से हो गई है, परंतु इतने बड़े पदों में इस तरह से छत्तीसगढ़ में पहली बार होने के कारण
और कनक तिवारी जी के प्रशंसकों की संख्या, उनके चाहने वालों की संख्या और लंबी है और उनकी विद्वता की लोग कायल है। तो जिस तरह से हटाने की एक प्रक्रिया हुई है पूरी, इस प्रक्रिया पर बहुत सारे लोग असहमत होने के कारण ही यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। और दिनों दिन जिस आक्रामकता के साथ भूपेश बघेल सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जी। और उसी कार्यवाही में जिस तरह से उसको सफलता मिलनी थी वो नहीं मिलने के कारण ये एक बड़ा मुद्दा है। इसमें कई पर्दे के पीछे की कहानियां हैं, कई पर्दे के पीछे की घटनाएं हैं और यह एक नाली प्रक्रिया होने के कारण इसमें न्यायालय का कई लोग कई चीजें नहीं बोल पा रहे हैं, कई चीजें उभर कर नहीं आ रही है। परंतु चाहे अनचाहे इसमें से बहुत सारी चीजों के खामियां और विसंगतियां को देखते हुए यह एक नया घटनाक्रम बना है। इसमें सरकार ने जिस अनुसार से कार्रवाई की है वो लगता है मुझे बहुत मजबूरी में ये कार्रवाई की गई है। कोशिश इस तरह से हुई थी पहले 15 दिन पहले, उसमें शायद सफलता नहीं मिली, उसके बाद ये सरकार ने कार्रवाई की है। तो राज्य सरकार अपनी स्थितियों को, न्यायालयीन प्रक्रियाओं को किस तरह से मजबूती से रख पाए, सरकार का पक्ष रख पाए, इन स्थितियों से एक नए लोगों की नियुक्ति करके कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा था महाधिवक्ता पूरे हाईकोर्ट बिलासपुर में, इससे बचने के लिए डैमेज कंट्रोल के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। जी गुप्ता जी, देखिए बड़ा मुझे, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय से अनुरोध करता हूँ इस बात का संज्ञान सबको दें, क्या क्या माननीय कनक तिवारी जी ने इस्तीफा दिया था, एक बात। दूसरी बात, इस्तीफा नहीं दिया ये बात कनक तिवारी जी ने स्पष्ट रूप से सारे स्टेजेस में इवन ऑनरेबल गवर्नर को भी कहा है। दूसरी बात, सरकार ने यह कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, आप सरकार के पास ये ऑप्शन था, उनको रिमूव कर सकती थी, सरकार ने उन्हें रिमूव क्यों नहीं किया, इस्तीफा का बयानबाजी क्यों दिया, यह चीज स्पष्ट कर दे तो बाकी चीजें आप भी आप पब्लिक के संज्ञान में आ जाएगी। सरकार इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है, संवैधानिक संकट 100% सरकार ने ही पैदा की है। सरकार नियम कानून कायदा का पालन नहीं करना चाहती है, किन प्रक्रियाओं के तहत काम करना चाहिए, देखिए सरकार का विशेषाधिकार है, वो हटा सकती है, उन्हें हटाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हटाने का सिस्टम तो अडॉप्ट कर लेते हैं। सारा आरोप इसी बात पर है, राजनीति नहीं है, सरकार ने कोई गलती की है तो गलती को बता देना राजनीति नहीं होती है। क्या प्रोविजन रहता है फिर, आप लोगों ने तो 15 साल सरकार चलाई है सर प्रदेश में, आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या कुछ प्रोविजन रहता है। आप लोगों ने भी कई लोगों को इधर से उधर किया है, किसी की नियुक्ति, देखिए आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ ना, देखिए इस पद पर आप या तो इस्तीफा लेते या रिमूव करते, आपने क्या किया ये बता दी सरकार, सरकार का ये पक्ष लीजिए, सरकार ने उनका इस्तीफा आया क्या कहीं पे, हम कोशिश कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और इस बात का जवाब दे। प्रक्रिया तो पालन होना चाहिए, बिल्कुल बकायदा होना चाहिए, और इस मंच पे आके उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए थी, हमारी कोशिश भी यही है। रिजवी साहब, सवाल बेहद साफ है कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि सरकार, जिस तरह से सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है और हर चीज का एक तरीका होता है, JCCJ जिस तरह से हर मामले में कूद रही है और हर चीज को भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है इस पूरे मुद्दे से कितना फायदा JCCJ को? देखिए ऐसा है, ये फायदे और नुकसान का सवाल नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया का सवाल है और इस संवैधानिक प्रक्रिया में किसी को मुगालते में नहीं रख सकता। देखिए रिक्त पद के खिलाफ ही नियुक्ति होती है, तो पद रिक्त कब होगा, जैसे कि मेरे भाई नरेश गुप्ता जी ने बताया कि भाई या तो उनको रिमूव कर दिया जाता, मगर रिमूव करने के लिए भी इनको कारण बताना पड़ता, वो कारण इनके पास था नहीं इसलिए इन्होंने रिमूव नहीं किया, और इस्तीफा इनके पास पहुंचा नहीं था और अनिच्छा जाहिर की थी ऐसा कहना है, तो अनिच्छा को इस्तीफा मांग करके आपने
कैसे ये निर्णय निकाल लिया, इतनी जल्दी क्या थी जो आपको आधी रात को ये आदेश निकालना पड़ा? क्या कारण है? इसी से शंका स्थापित होती है कि आपने किसी एक तो अपने जो विधि मंत्री हैं जिनकी तबीयत खराब है वो अभी बेचारे इलाज करवा रहे हैं और दो चार दिन में आने वाले हैं, उनके आते तक रुक जाते। आपने जो कार्यकारी विधि मंत्री हैं उनसे सलाह ली, तो ये तमाम सब चीजें जो है कई चीजों को शंका करती हैं। और ये जल्दबाजी जो है उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी घटना कभी नहीं हुई मेरे जानकारी में, क्योंकि मैं 50 साल से वकालत के क्षेत्र में हूँ। इसलिए ये ऐसी घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, और एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिजवी साहब, क्योंकि आप लंबे वक्त से वकालत में भी हैं, राजनीति न्यायिक जगत हतप्रभ है जी, आप लंबे वक्त से वकालत में भी हैं, राजनीति का भी अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं। मैं चाहूंगी कि आर्टिकल 165 के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी थोड़ी जानकारी दे दें कि एक्चुअल में आर्टिकल 165 क्या कहता है। उसके बारे में मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकूंगा, क्योंकि मैं जिस मुद्दे के लिए तैयारी करके आया हूँ उस मुद्दे के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। 165 के बारे में आप कहेंगी तो अगले बार जब कभी भी इस मुद्दे पर या वैधानिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलवाएंगे तो मैं आपको अवश्य बता सकूंगा। और रहा सवाल ये जो इनको हटाया गया है वो पद आज भी बाकी है, वैधानिक रूप से जो मेरा अनुभव कहता है और जितनी कानून की मुझे जानकारी है कि जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वो आज की स्थिति में भी महाधिवक्ता हैं। और राज्यपाल महोदय को या राजभवन को अंधकार में रखकर, मुगालते में रख करके ये आदेश निकाला गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि महामहिम इस विषय पर गंभीरता से सोचेंगी और ये निर्णय क्यों और कैसे हुआ इससे संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी या पदाधिकारी हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि 165 अनुच्छेद 165 के खंड एक में कहा गया है कि जिस तरह से जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल अपने विशेष अधिकार के तहत कर सकती है और शायद हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार ये भी कह रही हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई भी स्पोक पर्सन नहीं है, क्योंकि जवाब उनसे लेना बेहद लाजमी हो जाता है, तो उसके तहत ये नियुक्ति का प्रावधान है और बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो किन चीजों के तहत ये नियुक्ति हुई होगी ये बेहतर वो ही बता पाएंगे। रामोता जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगी मैं। देखिए, महाधिवक्ता कार्यालय इस समय सुव्यवस्थित तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। सारे जो जजे हैं, जज के पास जो सरकार के पैरवी करना है, सरकार के पास जाना है, वो कार्यालय पूरा काम शुरू कर दिया। तो एडिशनल एक बात होंगे। दूसरी बात ये है, अब ये आम जनता से जुड़ा नहीं मामला है, इसमें बड़े बड़े लोगों का मामले हैं, प्रमुख राज्य सरकार के लोगों के और मामले उनको से जुड़ा मामला है। दो बात। तीसरी बात ये है कि इस मुद्दे में जो है कहीं न कहीं कांग्रेस से कार्रवाई को लेकर चूक हुई है, वो एक नैतिकता की चूक जो है बड़ी चूक मानी जाती है, तो नैतिकता के नाते जो चूक हुई है उसका नुकसान वो है, राजनीतिक तरीके से उनको उठाना पड़ रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चौथी बात यह है कि राज्य सरकार को भी ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े मामले हैं जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से बड़े मामले के खुलासा होंगे, ऐसी स्थितियों में जो हर चीज जो है वो राज्य सरकार के अनुसार वो फैसले नहीं आ सकते, हर चीज के तथ्य होंगे, उसके चीजों के कागजी कार्रवाई होंगी, उसके बाद ये चीजें होंगी। तो रामोता जी, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है, लास्ट कमेंट में नरेश गुप्ता जी का भी ले लेती हूँ, वो नाराज हो जाएंगे हर बार की तरह। गुप्ता जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होगी। एक जी गुप्ता जी, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट जी। देखिए, ये पूरा संकट पैदा सरकार ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार ने संविधान के प्रोसेस का, सारे सिस्टमों का पालन नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इस प्रदेश के यंग एडवोकेट को आपने एडवोकेट जनरल डिस्प्यूट के रूप में बना दिया, वो भी बहुत खराब बात है।
बिल्कुल बहुत क्लियर बनाना चाहिए था, आप उसको रिमूव करके बना देते कोई इशू नहीं था। यू आर हैविंग एवरीथिंग, आपके पास सारे पावर्स है भाई जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया गुप्ता जी चर्चा में शामिल होने के लिए। रावता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साहब बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त बेहद कम है, इजाजत नहीं दे रहा। तो छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता कनक तिवारी से इस्तीफा लेकर नए महाधिवक्ता के तौर पर सतीश चंद्र वर्मा की नियुक्ति को लेकर अब विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। देखना यह है कि आखिर ये लड़ाई कहां तक जाती है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है तो बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।